चलिए नजर डालते हैं इस वक्त बिहार से आ रही खबरों पर। नवादा जिले के मैक्सौर प्रखंड के सीतामढ़ी की मां जानकी मंदिर परिसर की मिट्टी और कुंड के निर्मल जल से होगा अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण। वहीं श्री राम मंदिर के निर्माण में नवादा मां जानकी मंदिर परिसर की मिट्टी और कुंड के निर्मल जल के उपयोग होने की जानकारी मिलते ही जिले एवं प्रखंड वासियों में खुशी की लहर जग गई है। हमने जब सीता को निर्वासित किया था एक धोबी की लांछना लगाने पर, तो उन्होंने परोक्ष में विश्वकर्मा को बुलाया और कहा कि देखो सीता निर्दोष और निष्कलंक है, इसके सतीत्व की परीक्षा लंका में हुई थी। लेकिन जिस समय सीता के सतीत्व की परीक्षा लंका में हुई, उस समय सीता के सतीत्व की परीक्षा को देखने वाला था कौन? बंदर भालू और कुछ बचे खुचे राक्षस लोग। अयोध्या के लोगों ने तो सीता के सतीत्व की परीक्षा को देखा नहीं और अब लोग लांछना लगाते हैं, तो लोकापवाद के कारण हमको निर्वासित करना पड़ा है। वैसे सीता निर्दोष और निष्कलंक है, तो सीता को कष्ट होगा, गर्भवती भी है, तो ऐसा करो जहाँ सीता पहुँचाई जा रही है वहाँ सीता के पहुँचने से पूर्व एक ऐसे गुफा का निर्माण करो जो हर एक मौसम में सुखदायी हो। तो राम के परोक्ष आदेश से विश्वकर्मा ने सीता के यहाँ पहुँचने से पूर्व ही इस गुफा का निर्माण कर दिया, तो सीता इसी में रही, अपने पुत्र लव को जन्म दिया, कुछ तो वाल्मीकि के माया से हुए थे, फिर लवकुश इसी में पले बढ़े, बाद में लवकुश और राम की सेना के साथ युद्ध हुआ इसी अरण्य क्षेत्र में, और युद्ध के बाद सीता पाताल चली गई। यह सीतामढ़ी बिहार प्रांत के नवादा जिला के अंतर्गत मैसकौर प्रखंड के अंतर्गत सीतामढ़ी सहवाजपुर सराय में स्थित है। यहाँ पर वाल्मीकि का आश्रम था, तो वाल्मीकि का आश्रम तो घास फूस का झोपड़ी था, तो घास फूस का झोपड़ी वैसे त्रेता से लेकर के अब तक तो रहेगा नहीं, अगर रहेगा तो बराबरी रहेगा। वैसे वाल्मीकि का समाधि स्थल भारत टाल में है, उसकी महिमा अभी भी है कि ज्यो ज्यो टाल पानी से भरते जाता है त्यों त्यों वाल्मीकि का समाधि स्थल ऊपर उठते जाता है।